बुलेटिन में अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां नगर पालिका परिषद की तरह ग्राम पंचायत ने भी स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत कचरा रिक्शा की खरीदी कर घर घर कचरा कलेक्ट करके डिस्पोज करने का योजना चलाया जा रहा है। लेकिन यह योजना सिर्फ कचरा रिक्शा खरीदी तक ही सीमित होकर रह गई है। बता दें कि इस विषय में ताजा मामला कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बड़गाम में देखने को मिला है, जहां पर 6 माह पहले लाखों रुपए की खरीदी गई कचरा रिक्शा धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होते नजर आ रही है। बता दें कि सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी योजना के संचालन की जिम्मेदारी पंचायत सरपंच और पंचायत सचिव की होती है, लेकिन रिक्शा खरीदी के बाद इस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभी गाँव के जितने भी है ग्रामीण जनता को अभी जागरूकता का हम लोग कर रहे हैं कि अपने कचड़े को इकट्ठा किया जाए और जहाँ डस्टबिन बना हुआ है वहाँ पे लगाया जाए, उसके लिए रिक्शा भी आया है। क्या है कि यहाँ पे सचिवों और सरपंच का थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ मीटिंग नहीं होता है, लोगों को जागरूकता वैसे भी हम लोग फैला रहे हैं, फिर भी अभी मीटिंग वीटिंग करके इसको बताते तो इसको चालू किया जाता।